जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रम। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार पधार रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी आशा बहनों, संविदा कर्मियों, अस्थायी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारियों या फिर रसोइयों से संबंधित या फिर संविदा पे अगर किसी भी विभाग में, चाहे बिजली विभाग ले लो, चाहे आप परिवहन विभाग ले लो, उससे संबंधित कोई भी अगर खबर होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो अगर आप पहले बार पधार रहे हो हमारे चैनल पे, आप ही का अपना यूट्यूब चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी आशा बहनों से संबंधित कोई भी अगर खबर होती है, मानदेय वेतन बढ़ोतरी या सेवानिवृत्ति बढ़ोतरी या फिर आपका अनुबंध बढ़ाया जाता है या आपको नियमित किया जाता है या आपके लिए कोई भी नियम निकाला जाता है, तो उसके लिए खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो आप किस राज्य की और किस विभाग में कार्य करते हो, संविदा कर्मचारी हो तो आंगनबाड़ी हो तो किस राज्य की और किस पद पे कार्यरत करते हो, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। आपको अगर कोई भी खबर चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, कई बहनें कमेंट कर रही थी, सर मेरे को मातृत्व अवकाश लेना है, पिछली बार जब मैंने मातृत्व अवकाश लिया था तब मेरे को मानदेय नहीं मिला था, अब की बार उसके लिए क्या खबर है सर, तो ऐसा करके कई कमेंट्स आ रहे, रिसीव हो रहे थे, तो इसलिए मैं, ये मेरे को खबर अभी करंट की आई थी तो मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हो गया। तो इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। जो महिला कर्मचारी इन सभी अस्थायी विभागों में, जो अस्थायी पद पे या संविदा या प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और आपको देखना बहुत ज़रूरी है और आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है वे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो क्या है खबर, हम देखते हैं। हर महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार, ये कोर्ट का बोलना है। तो आप देख सकते हो एक्चुअली कोई भी हाई कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है उसके बेस पे सभी, मतलब हाई कोर्ट को आप कोर्ट करके आप अपने फ़ायदा ले सकते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन की मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी हो या तदर्थ या संविदा या किसी भी अन्य रूप में कर्मचारी हो, मातृत्व अवकाश पाने का सभी को समान अधिकार है। सरकार किसी के साथ भेदभाव भी नहीं कर सकती, ये है आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्यानी अंशुरानी अनुदेशक पूरे माध्यमिक विद्यालय ग्वाली बिजनौर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया और कोर्ट ने बीएसए को आदेश भी दिया कि वह याचिका को 6 माह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करे और बीएसए के याचिका को सिर्फ 90 दिन का ही मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका को अवकाश के दौरान पूरा मानदेय भी दिया जाना चाहिए। एक बहन का कमेंट आया था कि मानदेय सर मिलेगा नहीं मिलेगा, देख सकते हो आप हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आपको मानदेय पूरा मिलना चाहिए, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को नॉर्मली अभी मिलता है, लेकिन ये अस्थायी कर्मचारी आंगनबाड़ी बहनों को थोड़ा बहुत, उनके लिए कुछ एडवाइजरी वगैरह आई नहीं है, कोई रूल वगैरह मेरे पास में अभी, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कन्फर्म मिलता है। और सरकारी स्थायी महिला को कर्मी को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की देखभाल करने के लिए 730 दिन की छुट्टी भी मिलती है, ये स्थायी के लिए है और वो आपका मानदेय किसी का नहीं कटेगा। जो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, कहीं पर भी कार्य करते हो, आपके लिए ये जरूरी है। लेकिन जो 18 वर्ष तक जो आपका चाइल्ड केयर लीव मिलता है वो आपके लिए ओनली स्थायी कर्मचारियों के लिए ही लागू होता है, स्थायी जो बहनें हैं कार्य करती हैं उनके लिए ही लागू है, पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान सभी को समान अधिकार देता है और जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विभेद करने का रोक लगाता है और केंद्र सरकार ने कानून बनाया है तो ऐसे में सरकार मनमानी नहीं कर सकती। तो आपने देखा, ये थी पूरी खबर आपने देखी। तो इससे संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेके आएंगे, चाहे हमारे को पता नहीं हो फिर भी हम कहीं से खोज करके, कहीं से बटोर करके आपके लिए लेकर के हाजिर जरूर होंगे। क्योंकि आप ही का अपना YouTube चैनल है, आप हमसे पूछने का आपको पूरा हक है। अपने साथी बहनों के अंदर भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो सके। आप अपने विभाग से भी पता कर सकते हो, सर हाईकोर्ट का ये फैसला आया हुआ है, हमारे को मानदेय हमारा कटेगा
कटेगा नहीं कटेगा, जिससे आपको कंफर्मेशन भी वहाँ से मिल सकता है। बाकी आप हमारे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अपने साथी बहनों में शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, कई बहनें भूल जाती है शेयर करना, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। तो ये थी पूरी खबर, पल पल की अपडेट पानी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जय भारत।